हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि अगर आपके पास 4G का स्मार्टफोन है और उस फोन में VI का सिम लगा है और आपका इंटरनेट स्लो हो गया है तो अपने इंटरनेट को हम फास्ट कैसे करेंगे, वो भी एक न्यू APN सेटिंग को करके अपने फ़ोन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका VI का सिम है, इंटरनेट स्लो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद में आपका जो इंटरनेट है फास्ट हो जाएगा। सब कुछ लाइव कर दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों अपने फ़ोन की जो मेन सेटिंग है उस मेन सेटिंग पे जाना है। आपके फ़ोन में नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग होगी या इंटरनेट सेटिंग होगी, उस पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग होगी, इस पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में जो भी सिम लगा होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। मेरे फ़ोन में एक VI का सिम है, एक एयरटेल का सिम है, तो हम VI पर क्लिक करेंगे। तो VI को एक नंबर पर डाल लेंगे। डालने के बाद में VI पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे नीचे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम की सेटिंग होगी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कंपनी का पहले वाला APN पर यह हमारा फोन सेट होगा और चलता होगा। अगर इस पर इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आपको यहाँ पर न्यू APN को क्रिएट करना है। न्यू APN के लिए यहाँ पर प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक न्यू APN को क्रिएट करेंगे। तो न्यू APN हम पहले से क्रिएट किए हैं, सेम यही चीज़ आपको अपने फ़ोन में क्रिएट कर लेना है। नेम में आप लोगों को क्या लिखना है, VI इंटरनेट प्रोमट, VI का V बड़ा, इंटरनेट का I बड़ा, प्रोमट का P बड़ा, VI के बाद स्पेस, इंटरनेट के बाद स्पेस, अब प्रोमट लिखना है नेम में। APN में आपको लिखना है VI नेट साढ़े छोटे अक्षर में, प्रोक्सी में कुछ नहीं, पोर्ट में कुछ नहीं। यूजर नेम में आपको लिखना है स्पीड बोट एक्सलेटेड, यहाँ पर स्पीड का S बड़ा, बोट का B बड़ा और एक्सलेटेड का A बड़ा। जो भी स्पेलिंग होगा ध्यान से देखकर आपको यूजर नेम में लिख देना है। उसके बाद में नीचे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको सर्वर होगा, सर्वर में आपको लिखना है www.myvi.in, यहाँ पे सर्वर में लिखिएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ से सीधे आना है एथिकेशन टाइप पे। एथिकेशन टाइप पर आने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर PAP और CHAP पे सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर APN प्रोटोकॉल और APN रोमिंग प्रोटोकॉल की सेटिंग होगी, इस पर आपको क्लिक कर IPv4 IPv6 पर सेट कर देना है या दोनों पे, ठीक है। उसके बाद में बैरर की सेटिंग होगी, बैरर पे क्लिक करेंगे। पहले से यह अनसिफाइड पर सेट होगा तो इसको सबसे पहले तो हटा देना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर LTE से लेकर HSPA 2 3 4 5 6 7 यानी कि LTE से लेकर GPRS तक आपको टिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन में यह सारी सेटिंग है तो LTE से लेकर GPRS तक क्लिक कीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में यह सपोर्ट नहीं है तो सिर्फ LTE की सपोर्ट है तो LTE को ही सेट कीजिएगा और यहां पर ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहां पे 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। जैसे सेव करेंगे आपका इंटरनेट यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि बॉक्स पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे आपका इंटरनेट अब इस पर चलने लगेगा। अब आप लोगों को करना क्या है कि अब हम आपको इंटरनेट की स्पीड चेक कर दिखा देते हैं कि देखिए दोस्तों हमारा इंटरनेट का स्पीड कितना हो गया है। हम स्पीड टेस्ट पे जाते हैं और इंटरनेट की स्पीड आपको चेक करके दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पहले से हमारा इंटरनेट का स्पीड कितना फास्ट हो गया है। इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोन में VI के सिम में अपने इंटरनेट को बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।